नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे चैनल के माध्यम से महाराज श्रद्धेय श्री नीप करोरी बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का यह क्रम जारी है। आप सभी का बहुत ही स्नेह और बहुत ही मनोभाव से समर्पण और सहयोग दोनों हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। आप सभी की इच्छा अनुसार, आप सभी के मतानुसार महाराज जी की अद्भुत कथाओं का यह क्रम इसी प्रकार जारी रहे, ऐसी कामना करते हैं। और हमारे नए दर्शकों से भी यह अनुरोध करते हैं कि जो भी भक्त अभी हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे और भी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए बिना देर के आपको लेकर चलते हैं आज की अद्भुत कथा में। आज की अद्भुत कथा में आपको एक ऐसा क्रमांक सुनाने जा रहे हैं जो कि आपके जीवन में बहुत सारी दुर्भावनाओं को दूर करते हुए आपके जीने के एक मकसद को पूर्ण करेगा और आपको जीने का एक नया लक्ष्य, एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। तो बात है उस समय की, महाराज जी इलाहाबाद महाकुंभ में प्रवास पर गए हुए हैं। महाकुंभ का एक बहुत विशाल जनसमूह इलाहाबाद महाकुंभ में एकत्रित है। दूर दूर से और भिन्न भिन्न प्रकार के महासंत इस महाकुंभ में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। तो जैसा कि आप सबको विदित है, जो भी भक्त हमारे या जो भी दर्शक इलाहाबाद में महाकुंभ के जिनको दर्शन करने का अनुभव प्राप्त हुआ है, बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्योंकि आप सभी को एक बात और बता दूं कि जब जब महाकुंभ का आयोजन होता है, जन समूह अधिकाधिक कुंभ में पहुंचते हैं और जो भी भक्त ऐसी मंशा रखते हैं तो उन्हें महाकुंभ में अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। क्योंकि महाकुंभ में आप देखेंगे कि आपको बड़े बड़े संतों के, जो कि जिनके दर्शन बड़े ही शुभ कर्मों से प्राप्त होते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही यह संपूर्ण जीवन, यह संपूर्ण मानव जीवन, मनुष्य जीवन आपका पार पा जाता है। इस भव सागर से आपको दर्शन मात्र से ही जीवन में सफलता के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जिन भी दर्शकों को, जिन भी भक्तों को मौका मिले महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, बिना देर किए आप महाकुंभ में जाइए और दुर्लभ दुर्लभ संतों का आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो यह तो मैंने आपको महाकुंभ की एक गाथा सुनाई, महाकुंभ का एक सूक्ष्म परिचय दिया। तो अपनी कथा की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमारे महाराज जी भी महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, जनमानस को प्रवचन देने के लिए और महाकुंभ में अपनी आहुति देने के लिए महाराज जी भी इलाहाबाद पधारे। अब आप क्या देखते हैं कि महाराज जी का भी एक बहुत ही विस्तृत पंडाल, या आप उसे कह सकते हैं कि महाकुंभ में प्राय क्या देखा गया है कि वहां पर जितने भी बड़े बड़े संत हैं उनकी एक संगत बैठती है। वहां पर प्रत्येक जो संत हैं उनके लिए एक भव्य पंडाल का, एक भव्य, आप एक प्रकार से यह समझ सकते हैं कि एक रुकने की व्यवस्था बड़े ही सुसंगठित तरीके से होती है और वहां पर भक्तगण आके ऐसे दुर्लभ संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो महाराज जी भी अपने उस भव्य पांडाल की ओर बैठे हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और वहां पर कुछ संतों का आगमन होता है जो कि बड़े ही दिव्य संत हैं और महाराज जी के दर्शन
प्राप्त कर रहे हैं, महाराज जी विराजमान हैं और महाराज जी के समक्ष संत जन जो है वो बैठे हुए हैं। अब क्या होता है कि जहां ये बात सत्य है, हमारे बहुत सारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि जहां जहां संत विराजमान हो जाते हैं तो वहां पर ऐसी महासंगत का एक महा, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर वहां पर माहौल बन जाता है, और जहां पर संतों की कथा वाणियां, संतों की दिव्य वाणियां सुनाई देती हैं तो वह स्थान कई कई कोसों तक पवित्र हो जाता है। तो ऐसा माहौल बना हुआ है, आप इस माहौल को आंखें बंद करके एक बार महसूस अवश्य करें कि जहां पर महाराज जी विराजमान हैं, दिव्य संतजन विराजमान हैं, तो कैसा पर्यावरण वहां का महक रहा होगा। तो ऐसा सुंदर माहौल वहां पर बना हुआ है, और अब चर्चा होती है महाराज जी से। तो महाराज जी से कई संतजन पूछते हैं कि महाराज जी हमें कृपा करके यह बताएं कि यह जीवन किस उद्देश्य से हमारा प्रभु ने हमें प्रदान किया है, इस जीवन में हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर का यह जो पूरा रचा हुआ संसार है इससे पार पाने में कष्ट ना हो और हम प्रभु के जो दिव्य नगरी है वहां पर पहुंच पाएं और ईश्वर को प्राप्त कर पाएं, ऐसे क्या कार्य हमें करने चाहिए। तो आप सभी को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, इस कथा को थोड़ा सा विराम देते हुए आपसे कहना चाहूंगा कि जो ये अंक आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आप सभी इनको बड़े ध्यान से सुने, अपने जीवन में इनको उतारने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन भी एक महान संत की तरह गुजरना शुरू हो जाएगा और आप इस समाज में रहते हुए भी इस समाज का भाग नहीं बनेंगे। तो अब आप सुनिए कि महाराज जी ने कैसे इस कठिन, एक बहुत ही आप समझे कि गूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया है बड़े ही सरलतम शब्दों में। तो महाराज जी ने इसका प्रत्युत्तर कुछ इस प्रकार दिया कि हमारा जो अस्तित्व है ये सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए है। महाराज जी के वाक्य क्या है मैं दोबारा बताऊंगा। महाराज जी ने कहा कि हमारा अस्तित्व सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है वह दूसरों की सहायता करने के लिए प्रभु ने हमें प्रदान किया है। हमारा अस्तित्व केवल स्वयं के लिए नहीं होता है, हमारा जो अस्तित्व है वह दूसरों की सहायता करना है, दूसरों की सेवा करना है और अपने सामर्थ्य अनुसार दूसरों को किसी न किसी तरीके से लाभ पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। तो सीधे सीधे शब्दों में महाराज जी ने कहा कि यह जीवन महज जीवन यापन करने के लिए नहीं है, धन कमाने के लिए नहीं है, या पारिवारिक जिम्मेदारी है निभाने के लिए नहीं है। यह जीवन का परम उद्देश्य है कि इस जीवन को इस प्रकार जिया जाए कि सदैव हमारा जो अस्तित्व है वह दूसरों के काम आ सके, हमारी उपस्थिति दूसरों को लाभ पहुंचाए, यही हमारा जीवन है। इसमें महाराज जी आगे कहते हैं कि जिस तरह श्रद्धा के बिना कोई मूर्ति पत्थर मात्र है, जिस तरह मंदिर दीपक के बिना अधूरा है, इसी प्रकार मानव भजन और सेवा के बिना पूर्ण नहीं है। यानी कि आप सेवा करिए, अपने जीवन को आप कैसे एक श्रेष्ठ मनुष्य जीवन बना सकते हैं उसमें आप मात्र दो चीजों पर बल दीजिए आपका जीवन। एक आप यह मान के चलिए कि पवित्र ज्योति में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, आपको क्या करना है, आप दूसरों की सहायता कीजिए अपने सामर्थ्य अनुसार, चाहे वह धन से हो, चाहे तन से हो, या किसी भी प्रकार के, या किसी भी तरह से आप किसी की सहायता कर सकें तो वह आपके जीवन का एक श्रेष्ठ कार्य बन जाएगा। तो आप सदैव दूसरों के कार्य आने का प्रयास करें। और दूसरा महाराज जी का जो कथन है वह यह है कि जिस प्रकार आपका जो ये शरीर है वह भोजन के बिना, श्वास के बिना अधूरा है,
यदि भोजन आप नहीं लेंगे तो आपका शरीर आपका साथ नहीं दे पाएगा, यदि आप श्वास नहीं लेंगे तो जीवन आपका जीना बहुत मुश्किल है श्वास के बिना। तो उसी प्रकार जीवन में यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए औषधि स्वरूप है कि ईश्वर का भजन करें, अपने मनोभाव को इतना संपूर्ण बनाएं, इतना मजबूत करें कि आप भजन के बिना एक भी दिन अपना ना व्यतीत करें। ईश्वर को सुमिरन करते रहिए, ईश्वर का भजन करते रहिए, तो यह आपके शरीर में यानी कि शरीर के लिए जिस प्रकार भोजन आवश्यक है, श्वास आवश्यक है, उसी प्रकार आपके मस्तिष्क को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है भजन। यदि आप ईश्वर का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो यह आपके जीवन का एक सर्वोच्च एक सर्वोपरि एक तरह का प्रयास हो जाएगा। और यदि आप यह प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो अवश्य ही ईश्वर आपके लिए ईश्वर को प्राप्त करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो इस प्रकार महाराज जी ने जब यह कथन कहे तो संत जनों का जो मनोभाव था वह गदगद हो उठा। महाराज जी की जय जयकार होने लगी, महाराज जी के नाम के जयकारे लगने लगे और इसी प्रकार पांडाल में महाराज जी का नाम गुंजमान हो गया। तो आज की यह कथा यहीं पर समापन की ओर आ गई है। इस कथा से मैं आशा करता हूं आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और इसी प्रकार की मैं जो यह क्रम आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप सभी दर्शकों के लिए लेकर आ रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से आशा करता हूं कि आप जो भी यह क्रमांक देख रहे हैं, सुन रहे हैं या किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, आप अपने जीवन में इन सभी महाराज जी की शिक्षाओं को उतारिए। आपका जीवन महाराज जी से पूर्ण तौर पर जुड़ जाएगा, आप अपने जीवन में एक नए आयाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो कथा के समापन की ओर आ चुके हैं। आप सभी से कहना चाहूंगा जो भी नए दर्शक अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और महाराज जी का सुमिरन निरंतर करते रहिए। आप बुलाएंगे तो महाराज जी अवश्य आ जाएंगे। तो अपने शब्दों को विराम देता हूं, मिलता हूं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।